राज्य आबकारी विभाग ने मूल तालुका के चिट्टेगांव स्थित एवीजी बकरी फार्म में नकली व अवैध देशी शराब के अड्डे पर छापा मारकर करीब 16,50,000 का माल जब्त किया है। इस कार्यवाही से चंद्रपुर जिले में अवैध शराब विक्रेताओं में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि इस साल चंद्रपुर जिले में राज्य आबकारी विभाग द्वारा की गई ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। चंद्रपुर जिले में शराबबंदी के दौरान भी बड़े पैमाने पर अवैध शराब की बिक्री हो रही थी। चंद्रपुर जिले में महाविकास अघाड़ी सरकार ने शराबबंदी हटा ली, लेकिन अवैध और नकली शराब अभी भी बड़े पैमाने पर बिक रही है। चंद्रपुर जिले के मूल तालुका में स्टेट हाईवे पर चिटे गांव पे कॉलेज से सटे शेड में अवैध नकली शराब बनाने का काम शुरू था। इसकी भनक राज्य आबकारी विभाग को लगते ही छापेमारी की गई और करीब 16,50,000 का माल जब्त किया गया। इसमें रॉकेट, देसी दारू, प्रवरा, डिस्लरी, अहमनगर के नाम वाले कागज के बक्से मिले हैं। उक्त कार्रवाई टीम के श्रीवाग, संदीप राउत, विकास थोराट, जगदीश पवार, अमित सिरसागर, अभिजीत लिचड़े, मोनाली कुरुतकर ने राज्य आबकारी विभाग के अधीक्षक संजय पाटिल के मार्गदर्शन में की। मकान मालिक अरुणा मरसकोले फरार है, साथ ही उनके मजदूर पवन वर्मा उर्फ गोले व श्याम मडावी व अन्य सभी आरोपी भी फरार है। एवीजे गोट फार्म मधील 3 रूम मध्ये अवैध देशी मध्य कारखाना मिळून आला। सदर देशी मध्य कारखाना निर्मिती मध्ये सिलिंग मशीन तसेच ब्लेंडिंग मशीन 14 बॅरल स्पिरिट ने भरलेले तसेच 500 लिटर ब्लेंड तयार, त्यानंतर 1.5 लाख लेबल्स, 50,000 कॅप्स, त्यानंतर त्याला लागणारे सर्व अत्यावश्यक मटेरियल जप्त करण्यात आले असून सदर जप्त मुद्देमालाची किंमत 16.5 लाख रुपये भरते। सदर जागे मालक अरुणा मरसकोल्ले एवीजे गोट फार्म शेया फरारे असून तसेच ज्या नावाने म्हणजे लेबल्स कॅप ज्या नावाने आलेले आहेत असे 2 आरोपी, एक पवन वर्मा उर्फ गोलू, श्याम मडावी व इतर सर्व आरोपी फरार आहेत। चंद्रपूर के चितेगाव से BCN न्यूज के लिए सुनील ताड़े की रिपोर्ट।